ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पढ़ते आगे और करते हैं शुरुआत बाकी बची खबरों के साथ। हरदोई के संडीला पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई है। संडीला बस अड्डा चौकी इंचार्ज विनोद शर्मा का कारनामा देखने को मिला, जहां उन्नाव रोड पर घरों के बाहर खड़े वाहनों में पुलिसकर्मियों से सूजा बुकवा कर पंचर किया जा रहा था। घरों के बाहर खड़े वाहनों में सूजा भोगते समय सीसीटीवी कैमरे में पुलिसकर्मी कैद हो गए। बस अड्डा चौकी इंचार्ज विनोद शर्मा दूर अपनी कार में बैठकर सूजे भुकवाते थे। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो कार को पंचर करने का पुलिसकर्मियों का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से कार को पंचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे व चाकू के बल पर एक युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। मेरा क्षमा परवीन है जी, मेरी दवाई चल रही थी गोरई से। मैं अपने पति के साथ दवाई लेने जा रही थी और गोरई के बीच में पास में 2 किलोमीटर पहले ही एक मतलब जंगल सा पड़ता है, रास्ता मतलब रास्ता है वो। आके तीन सवार आए, तीन आदमी, और उन्होंने अपने मतलब ढाटे लगा रखे थे और मेरी बाइक रोक ली। मैं हमने ये समझी कि कहीं रास्ता पूछेगा ये आदमी। उनने एकदम मेरा आदमी की गिरेबान पकड़ी कि तू अपने आप में बड़ा डॉक्टर बनता साले, और क्या कहते ऐसे ऐसे मेरे पति। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के NCL खड़िया माइंस में खड़िया प्रोजेक्ट में मलबा ढहने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मौके पर मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। पुलिस ने NCL खड़िया के माइंस क्षेत्र के नाले से 3 बच्चों का शव निकाला। बता दें कि शौच के लिए घर से 4 बच्चे निकले थे। चौथे नाबालिग बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के बड़े रैकेट के पकड़े जाने से पहले ही हड़कंप पहुंचा हुआ था, और अब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के प्रभार वाले रायबरेली में लव जिहाद का जिन बाहर आ गया है। यहां एक मुस्लिम अधेड़ व्यक्ति ने अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर हिंदू विधवा महिला से रायबरेली के मनसा देवी मंदिर में शादी कर ली। उसके साथ गंदागंज के चौकदार का पुरवा गांव में रहने लगा, और आरोपी ने शादी के बाद महिला को पता चला जब कि उससे शादी जिसकी हुई है वो मुस्लिम है। इसके बाद कथित पति ने महिला का उत्पीड़न शुरू कर दिया, उसके जेवर बेच दिए। महिला ने बुधवार को लालगंज कोतवाली में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना लालगंज पर एक महिला द्वारा यह तहरीर दी गई कि वह एक विधवा है और मोहम्मद गब्बर नाम के व्यक्ति ने खुद अपना नाम बउआ लोध बताते हुए उससे शादी की। शादी के कुछ दिन बाद उसके गहने बेच दिए और उससे मारपीट करने लगा। इस तहरीर पर लालगंज थाने में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों हुई बारिश का असर संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। यहां पर गंगा नदी का जलस्तर पिछले 3 दिनों के भीतर अचानक लगभग 1 मीटर के करीब बढ़ गया, जिसके कारण घाटों पर रहने वाले तीर्थ पुरोहित, नाविक और फेरी वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। तेजी से गंगा में बड़े पानी के चलते घाटों पर कटान भी देखने को मिल रही है। अचानक बड़े जलस्तर ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। संगम पर रहने वाले नाविकों का मानना है कि जिस तरीके से अचानक पानी गंगा में बढ़ा है, उससे आने वाले दिनों में यहाँ पर रहने वाले नाविक, तीर्थ पुरोहित और फेरी वालों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और तटीय इलाके, यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक पॉलिसी मेंटेन करना चाहिए कि संगम क्षेत्र है तो यहाँ पर जो है जो स्थानीय जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो है उनको एक स्थायी प्रावधान करके बांध का निर्माण करना चाहिए। जो ये समस्या हमेशा की जो समस्या है, जो बाढ़ से आदमी क्षतिग्रस्त रहता है, जो हमेशा वो रहते हैं, तो उस कम से कम अगर बांध बनेगा तो गवर्नमेंट इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। मैं स्पष्ट रूप से लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशिक किशोर और उनके बेटे आयुष किशोर पर अंकिता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बीजेपी सांसद और उनके परिवार के लोगों ने अगवा कर लिया। लड़की के पिता ने कहा कि लखनऊ जिला न्यायालय में बीते
16 तारीख को वो पेशी के लिए आई थी। इसके बाद अंकिता अपनी बड़ी बहन के बेटे के घर आगरा बर्थडे पार्टी में जा रही थी। बता दें ये मामला कौशल किशोर के बेटे से जुड़ा हुआ है गोलीकांड से। उसी दौरान उसे अगवा भी कर लिया गया था। अब उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो आयुष की पत्नी यानी कौशल किशोर सांसद के बेटे आयुष की पत्नी अंकिता के परिजनों का कहना है कि अंकिता का फोन 4 बजे से ही बंद आ रहा था। परिजन मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं। अंकिता को बचा लिया जाए नहीं तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। परिजनों का कहना है कि अंकिता ने अपनी बड़ी बहन को मैसेज भी भेजा था। परिजनों की तरफ से जारी किए गए उस मैसेज में लिखा है कि आयुष ने जगह बदल दी है और वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास उसे ले गए हैं। अंकिता के पिता की माने तो उनकी बेटी कई दिनों से गायब है, इसलिए वो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को बचा लिया जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कौशल किशोर ने भी अपना बयान दर्ज करवाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे जैसा न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अपने सम्माननीय संवाददाताओं के माध्यम से पता चला है कि आशीष सिंह ने कोई खिलाफ एप्लीकेशन दी है, जिसमें हमारे ऊपर अपनी लड़की अंकिता का किडनैपिंग का आरोप लगाया है। ये पूरी तरीके से फर्जी है। हमारा कोई लेना देना नहीं है आयुष से भी और ना अंकिता से। वो दोनों लोग खुद अपनी मर्जी से शादी किए थे, बीच में विवाद उनका हुआ था, फिर दोनों एक साथ रह रहे हैं। अपनी मर्जी से वो उनके साथ रह रही है और आयुष वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। ये पूरी जो एप्लीकेशन है या घटना है मनगढ़ंत है और झूठी है। हमारा उस परिवार से भी कोई लेना देना नहीं, आयुष और उसकी पत्नी अंकिता से भी। आगरा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता और उसके पति पर राजीनामा का दबंग दबाव बना रहा है। वहीं दबंगों ने राजीनामा नहीं करने पर गांव छोड़ने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद पीड़िता का परिवार दहशत में है। बता दें कि सुरक्षा की गुहार पूर्व प्रधान और प्रधान पति ने साथियों संग पीड़ित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता और उसके पति की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामला दर्ज कर पुलिस ने महिला का मेडिकल प्रशिक्षण कराया था। इसके बाद आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। मेरे साथ गलत काम वो करवा दिया इन्होंने मिलके साथ सब लोगों ने, और डॉक्टर जबर का धमकी दे रहा है राजीनामा करने ही गाली दे रहा है। मेडिकल भी हो गया है, मतलब पुलिस वाले गल छोड़ गए थे तब। तो कानपुर के काकदेव थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भीख मांगने वाली 8 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि गोद में बच्चा लेकर महिलाएं भीख मांगती थी, वहीं गाड़ियां जबरन रोककर रुपए देने का दबाव बनाती थी। गिरफ्तार सभी महिलाएं मूल रूप से राजस्थान की हैं। थाना काकादेव की पुलिस टीम ने 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये बच्चों को गोद में लेकर भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़ी गई हैं। मूल रूप से राजस्थान की निवासी हैं, 20 साल से गुजरात के अहमदाबाद में रह रही हैं और वहाँ से कानपुर में आकर ये भिक्षावृत्ति कर रही थी। उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और इनको जेल भेजा गया है। ये जीन्स इसलिए पहनते हैं जिससे लोग इनको बच्चा चोर ना सके। कानपुर नगर में संयुक्त विपक्ष मोर्चा पार्टी की बैठक हुई, जिसमें सभी पदाधिकारियों के साथ एक साथ बैठक पर कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन देने की बात कही, जिसने कहा कि जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से जन समस्याओं के बारे में बताएंगे और किसानों की मांगों को लेकर जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों में भी गिरावट की जाए, जनता बेहाल है और कोरोना काल को देखते हुए जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज जो संयुक्त विपक्ष है हमारे कानपुर शहर का, जिसमें कांग्रेस पार्टी, सपा, लोकतांत्रिक जनता पार्टी, जनता दल, आरजेडी और राष्ट्रीय लोकदल, सीपीआई, सीपीआईएम और तमाम जो संगठन हैं जो यहाँ सक्रिय रहते हैं, तो आज ये लॉकडाउन वगैरह उठने के बाद बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी तरफ से एक ऐलान हुआ है कि 26 तारीख को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तमाम राजभवन में दिया जाए। तो चूंकि उस दिन इत्तेफाक से राष्ट्रपति हमारे ज़िले में है, तो हम लोग यहाँ यही तय कर रहे हैं कि हम लोग अपने ज़िलाधीश को
ज्ञापन देंगे कि आप राष्ट्रपति महोदय को पहुंचा दीजिए और हम लोगों की जो भावना है वो बताइए कि किसान 6 महीने से बैठे हैं और हर तरह का मौसम उन्होंने झेला है, 500 मर चुके हैं, उनकी मांगे भी बिल्कुल जायज़ हैं, तो आप राष्ट्रपति का मतलब जो गरिमा है उसका इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव बनाइए कि उनको बुला करके बातचीत करें और उनकी मांगों को माने। आज की बैठक का ये उद्देश्य तय हुआ है कि संयुक्त विपक्षी मोर्चे की बैठक है जिसमें CPM, CPI, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, सपा और अदर जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में, वो सभी पार्टियों के पदाधिकारी आए और बैठे। और ये तय हुआ है कि 25 तारीख को माननीय श्री कोविंद साहब जो राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, जिनको हम लोग जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे और उनको ये सुझाव देंगे कि किसानों की मांगों को जल्द। खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म। आप भी फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Prime TV।